हेलो मेरे देसी चटोरों, आज हम बना रहे हैं घर के ही पनीर से रसमलाई, जो सबको बेहद ही पसंद आती है। और जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो ये आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। अंगूरी रसमलाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 kg मिल्क लेंगे और उसका पनीर निकालेंगे। अब हम दूध को चलाते हुए गर्म करेंगे, जिससे कि इसमें मलाई ना आए और पनीर अच्छा बने। अब हम 1 कटोरी में थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे। जितना गर्म पानी लेंगे उतना ही हम इसमें विनेगर मिलाएंगे। पनीर के लिए रखा हुआ दूध हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इस टाइम गैस को बंद कर देंगे और दूध को गैस से नीचे उतार लेंगे। दूध को गैस से नीचे उतारने के बाद हम 1-2 मिनट के लिए इसे चलाते हुए थोड़ा ठंडा करेंगे। इसके बाद पनीर बनाएंगे, नहीं तो पनीर थोड़ा हार्ड बनेगा, उसमें सॉफ्टनेस नहीं आ पाएगी। 1-2 मिनट दूध को चलाने के बाद ये हल्का सा ठंडा हुआ है। अब हम इसमें विनेगर मिला हुआ पानी डालेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, नहीं तो पनीर अच्छा नहीं बन पाएगा, पनीर दाने दाने वाला बनेगा। हमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर और पानी मिक्स करना है। हमारा पनीर बन चुका है। अब हम इसे एक कपड़े में डाल के इसे छान लेंगे। अब हम एक क्लीन किचन क्लॉथ लेंगे और इसमें ये पनीर डालेंगे, जिससे कि इसका पानी निकल जाए। सारे पनीर को कपड़े में डाल लें तो कपड़े को चारों तरफ से ऊपर उठा लें, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम एक दूसरे पतीले में ठंडा पानी लेंगे और उसमें इस पनीर को वॉश कर लेंगे, जिससे इसका विनेगर का फ्लेवर हट जाए। हमें पनीर को बहुत अच्छे से वॉश करना है। अब पतीले के ऊपर ही कपड़े को खोल लेंगे और पनीर को हल्के हाथों से थोड़ा सा चला लेंगे, जिससे कि अच्छे से वॉश हो जाए। अब हम पनीर का सारा पानी निचोड़ के निकाल देंगे। हमने पनीर को निचोड़ लिया है और इसका सारा पानी निकल चुका है। अब हम इसे एक परात में डाल लेंगे। अब हम पनीर को हथेली से अच्छे से मसल लेंगे। हमें इस तरह से मसलना है। हमने पनीर को अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसके बिल्कुल छोटे छोटे गोले बनाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे गोले बनाएंगे हम।
हमने पनीर के सारे गोले बना लिए हैं, अब हम चाशनी बनाएंगे। अब हम एक पतीले में 1 लीटर पानी डालेंगे, इसे बॉईल होने देंगे। हमें एक तार से भी कम की चाशनी बनानी है, जिसके लिए हम लगभग 900 ग्राम इसमें चीनी डालेंगे। हमारी एक तार से थोड़ी सी कम चाशनी बन चुकी है, अब हम इसमें 1 रीठा डालेंगे। रीठा डालने से रसगुल्ले ऊपर नीचे होते रहेंगे, हमें इन्हें चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इनके ऊपर तक चाशनी का पानी आता रहेगा। अब हम एक एक करके इसमें रसगुल्ले डालेंगे। अब हम इन रसगुल्लों को लगभग 5 से 10 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख देंगे। हम इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे। अब हम दूसरी गैस पे एक कढ़ाई में 1 केजी मिल्क और बॉईल करने के लिए रखेंगे। इसे भी हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, इससे हम रबड़ी बनाएंगे। जो कढ़ाई में हमने रबड़ी के लिए दूध रखा है, उसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है और किनारे से भी इसे छुड़ाते रहना है। अब हम इसमें थोड़ा सा केसर डालेंगे। केसर से कलर भी बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। हमारा दूध लगभग आधा हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। फिर से चलाते रहेंगे, हमें इसे चलाते रहना है। हम बीच में एक बार ढक्कन खोल के रसगुल्लों को चेक करेंगे। हमारे रसगुल्ले बहुत ही अच्छे फूल रहे हैं। हल्का सा बीच में चम्मच डाल के एक बार इन्हें घुमा देंगे। फिर से ढक्कन लगा देंगे, इसे और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। हमारे रसगुल्ले बन चुके हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही अच्छे से फूले हैं। किसी भी रसगुल्ले पे एक भी क्रैक नहीं आया है। अब हम रसगुल्लों को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम अपनी रबड़ी की तरफ चलते हैं। हमारी रबड़ी भी गाढ़ी होने लग गई है, बस अब हम इसे 1-2 मिनट और पकाएंगे। हमारी रबड़ी बन चुकी है, हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब हम रसगुल्लों को चाशनी से निकाल लेंगे। हमें एक छलनी में रख के इसकी चाशनी निकाल लेनी है।
हमारे रसगुल्ले बहुत ही स्पंजी बने हैं। हमारी रबड़ी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। अब हम रबड़ी के अंदर एक एक करके रसगुल्ले डाल देंगे। ध्यान रखना है दोनों ही थोड़े ठंडे हो जाएं। अब हम इसके ऊपर कटे हुए पिस्ता, बादाम और काजू से इसे गार्निश करेंगे। अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख देंगे। फ्रेंड्स, हमारी घर पर ही अंगूरी रबड़ी बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।